आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। कोशिश किया उसमें, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश अजीम की है हमारी इनकलाब की, और हम इनके साथ हैं। और जल्द से जल्द हॉज हाउस स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका लाभ हमारे शहर ने औरंगाबाद को होगा, हमारे जिले को होगा, और मराठवाड़ा से भी जो लोग आते हैं, माँ बहने आती है, उनके रहने की सुविधा होगी। और यहाँ से रुक कर वो प्लेन से जा सकते हैं हज के लिए, ऐसा मैं कहता हूँ। और हम इनका हमारा पूरा पाठिम्बा इनके साथ है, और हमेशा हम अजीम के साथ है। जब भी अजीम ने फर्स्ट टाइम हज हाउस बनना चाहिए के लिए जो किया था, जब भी हम उनके साथ थे, और आज भी उपोषण को बैठे, हमारा पूरा पाठिम्बा उनके साथ है। और गवर्नमेंट को मैं चेतावनी देता हूँ कि जो हमारे अजीम की मांग है, जल्द से जल्द ओपनिंग करना चाहिए। सीएम ने यहाँ आना चाहिए, डिप्टी सीएम साहब ने यहाँ आना चाहिए, हमारे पालक मंत्री ने आना चाहिए, हमारे शहर के जितने भी आमदार है, मिनिस्टर से अतुल साहब, इन सब ने बोल के जल्द से जल्द हाउस की ओपनिंग कराना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। अक्सर भी एक ही सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं लूंगा, एक ही सवाल है। अगर जल्द से जल्द नहीं करते, क्योंकि अब देखो हजिया रवाना होना शुरू हो गए, फ्लैट शुरू हो चुके हैं हजियों, तो अगर नहीं खोलते तो क्या आप लॉक खोल के अंदर घुस जाएंगे? देखिए, हमारे अजीम ने कहा है कि 26 तारीख उन्होंने लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि इस महीने की 26 तारीख तक अगर हज हाउस की ओपनिंग नहीं होती है तो अजीम लॉक तोड़ के अंदर घुसेगा और हज हाउस की ओपनिंग कर देगा, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। और अरे मैं तो उनके साथ पहले भी था, आज भी और कल भी, और औरंगाबाद की पूरी जनता उनके साथ में, क्योंकि हज हाउस है, हज हाउस के लिए पूरा शहर है औरंगाबाद, पूरा जिला, पूरा मराठवाड़ा अजीम के साथ है, ऐसा मैं कहता हूँ।